अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करना है एट सम पर्टिकुलर रियल नंबर। आप लोगों के पास रेशनल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा और उसको आप लोगों ने इवेलुएट करना होगा, और इवेलुएशन आप लोगों की होगी उन्हीं वेरिएबल पे जो क्वेश्चन में गिवन होंगे आप लोगों के पास। अब यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल है, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर उसने दी हुई है। x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो x के लिए जो पर्टिकुलर रियल नंबर है वो -4 हो गया और y के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर 9 हो गया। तो इस क्वेश्चन में जहां जहां पर x होगा वहां पर आप लोगों ने -4 पुट करना है, और जहां जहां पर y होगा उधर आप लोगों ने 9 पुट करना है। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं और सोल्यूशन में एनी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। सो पुटिंग x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 9। इस सवाल में, इस क्वेश्चन में जिधर आप लोगों के पास x है तो वहां पर आप लोग पुट करो -4, और जहां पर y है उधर आप लोग पुट करें 9। प्लस 6 अपनी जगह पे आ जाएगा, और नीचे इस डिनोमिनेटर में भी हम यहां पर पुट कर लेते हैं x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 9। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम -4 स्क्वेयर। -4 स्क्वेयर का मतलब है कि आप लोग इस -4 को दो दफा मल्टीप्लाई करो, तो आप लोग के पास माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 4 मल्टीप्लाई बाई 4 बनेगा 16। इधर 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वेयर, तो स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट हो जाएगा कैंसिल, 6 अपनी जगह पे आ गया, और नीचे जब हम 9 से 4 माइनस करेंगे रिजल्ट आ जाएगा आप लोग के पास 5। अब इस 16 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो बन जाएगा आप लोग के पास 48। इधर रह गया 3 एंड प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 बन जाएगा 25। 48 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 25 एंड इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 25। आप लोग जब 150 को डिवाइड करोगे 25 पे तो आप लोग के पास रिजल्ट आ जाएगा 6। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एंड विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर लिया, और इवेलुएट करने के बाद आप लोग के पास जो रिजल्ट आ गया वो 6 था, लेकिन वो पर्टिकुलर वैल्यूज क्या थी? एक्स के लिए पर्टिकुलर वैल्यू आप लोग के पास -4 थी और वाई के लिए 9 थी। अब आप लोगों के पास कोई और सवाल भी आ सकता है, x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, तो फिर आप लोगों ने x की वैल्यू वही पुट करनी है जो आप लोगों के पास यहाँ गिवन होगी। अगर इधर -5 आएगा तो फिर आप लोगों ने x की जगह -5 पुट करना है, और अगर इधर y की जगह 10 आ जाते तो आप लोगों ने फिर y की जगह 10 पुट करना है। एक और सवाल की तरफ चले जाते हैं, उसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास और उसको भी हमने इवेलुएट करना है पर्टिकुलर वैल्यूज पे। एक्स क्यूब वाई -2z डिवाइडेड बाई xz, इफ एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -1 और जेड की वैल्यू यहां पर है -2। सो नाउ कमिंग टूवर्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एक दफा लिखवा देते हैं एंड डिवाइडेड बाई xz, और अब आप लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, पुटिंग वैल्यूज। लेकिन कौन कौन सी वैल्यूज? x, y और z की। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास 3 है, y की वैल्यू है -1 एंड z की वैल्यू है -2। तो इस क्वेश्चन में जहां पर x होगा वहां पर आप लोगों ने 3 पुट कर देना है, तो ये इधर आ जाएगा 3 पावर 3। जिधर y होगा उधर आप लोगों ने पुट कर देना है -1, और इधर z है तो z की जगह हम पुट कर लेते हैं -2, और नीचे x की जगह 3 पुट कर लेते हैं, और z की जगह पुट कर लेते हैं -2। अब ये 3 पावर 3, तो 3 पावर 3 का मतलब है कि 3 को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम, तो इससे आ जाएगा आप लोगों के पास 27। -1 इधर अपनी जगह पे आ गया। अब ये माइनस और माइनस आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बन जाएगा 4,
डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई -2, तो आप लोग के पास ये बन जाएगा -6। अब अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें, मजीद इसको हल करना चाहें, तो यहाँ पर ये 27 के साथ जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आप लोग के पास -27 +4 डिवाइडेड बाई -6। -27 से जब आप लोग 4 इसके साथ ऐड करोगे तो इससे आ जाएगा -23 डिवाइडेड बाई -6। ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, आप लोगों के पास रिजल्ट आ गया 23 डिवाइडेड बाई 6। अब अगर आप लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो 23 को आप लोग डिवाइड करो 6 पे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3, ये बन जाएगा आप लोगों के पास 18। जब 23 से हम 18 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा 5। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को याद रखना है, क्योंकि ये आप लोगों के पास एक इम्प्रॉपर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेटर की वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो इसी वजह से इसको हमने डिवाइड कर दिया और हम इसको लिखवा देंगे कंपाउंड क्वेश्चन में। तो ये बन जाएगा आप लोग के पास 3 होल 5 4 6। और आप लोग इसको वापस भी ये इससे लिखवा सकते हो, 6 3 18, 18 प्लस 5 आप लोग के पास इससे आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 6, और ये आप लोग के पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है और आंसर है, क्योंकि ये मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमने इस क्वेश्चन को इवेलुएट कर दिया x इज इक्वल टू 3 पे, y इज इक्वल टू -1 पे और z इज इक्वल टू -2 पे। तो अब आप लोग के पास जो स्लो बेस की बात हो रही है, तो स्लो बेस में आप लोगों के पास कोई नई चीज नहीं है। क्वेश्चन अगर आप लोग को वो दे देता है तो आप लोग के पास वेरिएबल डिफरेंट आ सकते हैं, आप लोग के पास वैल्यूज डिफरेंट आ सकती है, मेथड आप लोगों ने यही फॉलो करना है, मेथड आप लोगों के पास चेंज नहीं होता, सो दैट्स व्हाई मेथड पर आप लोगों ने फोकस करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सवालों को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद सवाल हल करेंगे चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।